हाय गुड इवनिंग दिस इज ऋतु रतेवाल एंड यू आर विद लेट्स क्रैक नीट यू जी क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप मुझे देख पा रहे हैं हम लोग पढ़ना शुरू कर पाए ताकि हेलो एवरीवन कैन यू सी मी बहुत दिनों बाद बच्चों नजर आए हो कैसे हो तुम लोग कैसा हुआ तुम्हारा नीट 2020 क्या क्या करके आये हो 2020 में यूर एबल टू हियर मी यू आर एबल टू सी मी यस एवरीथिंग गुड चलो चलो आई होप एक बार मैं अपनी वॉइस सुन लेती रुको यस यस ओके 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 माई वॉइस इज ओके सो आज के सेशन का पर्पज है कि मैं तुम्हें नीट 2020 का एनालिसिस करके ये आईना दिखा सकू कि क्वेश्चंस कहां से आए थे ठीक है क्या वो एन सी की डायरेक्ट लाइंस आई थी या वो एन को सिर्फ इंटरप्रेट करना था और उससे थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चंस थे या वो टोटली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे क्या था और तुम नीट 2021 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो बेसिकली सो so, देखो कोई भी चीज़ आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है तो जब तक आप 2020 का पेपर अच्छे से नहीं समझ पाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि 2021 के लिए तैयारी कैसे करनी है तो ये बेसिकली इस सेशन का पर्पज़ तुम्हारा ओरिएंटेशन है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा ये चीज़ें आती हैं इस तरीके से पढ़ना होता है इस तरीके से एन को हैंडल करना है ताकि हमारे क्वेश्चन आगे जाके सही हो जाएँ ठीक है चलिए शुरू करते हैं आ, मेरे कोर्सेज़ 2021 के लिए शुरू हो चुके हैं अन अकेडमी प्लस पर अन अकेडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की क्लासेस मिलेगी और इंडिया के एक्सपर्ट्स वहां पे पढ़ा रहे हैं 50 से ज़्यादा आपको वहां पर मेरी सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट जो भी आपको चैप्टर चलेगा साथ में आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी जो मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे जो एन में से ही बना बना के क्वेश्चंस दूंगी मैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए तो इस तरीके से आप लोगों को कंप्लीटली तैयारी कराने के लिए आप दो का बैच ज्वाइन कर सकते हैं अन प्लस पर आपको करना क्या होता है एक मिनट व टू टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन उसके लिए आपको करना क्या है अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बेटा हजारों बच्चे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं अन अकेडमी प्लस का 2021 की तैयारी करने के लिए और मेरा बैच ऑलरेडी चल रहा है तो अगर आप अभी तक नहीं ले पाए हैं तो कोड ऋतु डालकर आप एडमिशन लेंगे अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे आप नीट यू जी कैटेगरी में क्लिक करेंगे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे ऋतु कोड डालने के बाद आपको 10 परसेंट ऑफ हो जाएगा और ये प्राइसेस सेप्टेम्बर के बाद बढ़ने वाले हैं सो तो ये अभी के लिए हैं आप लोगों के लिए प्राइसेस सेप्टेंबर के बाद ये काफी ज्यादा हाइक आएगा इन प्राइसेस पे अभी ये थर्टी थाउजेंड में मिल रहा है एक साल का कोर्स जो कि ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का हो जाएगा कोर्ट डालने के बाद और दो साल का कोर्स थर्टी सिक्स थाउजेंड में मिल रहा है जो कि कोर्ट डालने के बाद थर्टी टू थाउजेंड का हो जाएगा और यही कोर्स पचास पचास हजार पर पहुँचेंगे बेटा जैसे ही सितंबर खत्म होगा तो आप अपना मौका मिस मत कीजिए सितंबर वाला आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो अभी से पढ़िए और इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ के साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो ऋतु कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं कोड से आपको डी मिलेंगी मेरी पर्सनलाइज्ड बनाई हुई डीपीपीटी पीस जो मुझे लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट 2021 में साथ में ही आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट एनसीआरटी से क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीआरटी से क्वेश्चन है एनसीआर की लाइन उठा के पूछी हुई है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लस वन का चैप्टर है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आई हूं देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन उसमें एक टॉपिक है इस टॉपिक की डायरेक्ट लाइन पूछी हुई है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इसका जो सही आंसर है आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है इट इज हायर एच पॉजिटिव इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन ये इसका आंसर बनता है एल्व्यूलाय में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लो रहती है हाई नहीं रहती देखो हमारी एनसीआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है देखो 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 इन द एलव्यूलाय वेयर देयर इज हाई पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो पार्शल प्रेशर ऑफ सी टू एंड लेस हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन तो ये मैं तुम लोगों को टॉपिक में पढ़ा चुकी थी मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया है ये प्लस पर भी कहीं कई बार पढ़ाया है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ ठीक है जी तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया डायरेक्ट एन का क्वेश्चन है इसका आंसर टू बनना था डायरेक्ट से आया था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन प्लस टू का क्वेश्चन है ये एवोल्यूशन नाम के चैप्टर से आया है और एनसीआरटी की डायरेक्ट लाइन है ये डायरेक्ट लाइन उठा के डाल दी है इनमें से कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है किसका एंथ्रोपोजेनिक एक्शन माने ह्यूमन human एक्शन के एक्शन से कौन सा एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस के एक्शन से कैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ है या ह्यूमंस के एक्शन से बेसिकली कैसे एवोल्यूशन हुआ है इनमें से कौन सा एग्जांपल है गैलेपोगोस आइलैंड्स पे ह्यूमंस का कोई भी रोल नहीं था ठीक है जी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स ह्यूमन एक्शन से बने हैं ड्रग रिजिस्टेंट यूकेरियॉर्ड्स ह्यूमन एक्शन से बने हैं मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक क्या कहते हैं एनिमल्स ह्यूमन एक्शन से बने हैं डायरेक्ट एनसीआरटी की लाइन है इसका भी स्क्रीनशॉट शॉट में लेकर आई हूं देखिए ये एवोल्यूशन का एक टॉपिक है एविडेंसिस ऑफ एवोल्यूशन एविडेंसिस ऑफ एवोल्यूशन एक टॉपिक है उसमें डायरेक्ट लाइन है ये एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इन अ मच लेसर टाइम स्केल दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी इम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट ड्यू क्रियोटिक और सेल्स हैंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स सेल्स आर अपीयरिंग इन टाइम स्केल ऑफ मंथस और ईयर्स एंड नॉट सेंचुरीज दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ Evolution बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ठीक है जी डायरेक्ट लाइन आ गई अब ये लाइन अगर आप खुद पढ़ते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे या आप मतलब अगर आप बिना टीचर के पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ये लाइन समझ में आएगी कि क्या कहना चाहते हैं मुझे भी नहीं समझ में आई थी जब मैंने खुद पढ़ने की कोशिश की थी जब मैं बच्ची थी आपको एक टीचर ही समझा सकता है कि ये लाइन का क्या मीनिंग है सो so, ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीआर से आ रहे हैं ये गारंटी नहीं करते कि तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे नीट में सो यू नीड गुड टीचर्स टू एक्सप्लेन ऑल द लाइन्स ऑफ एनसीआर ठीक है जी <laughs> YouTube पे और प्लस पे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एनसीआर के स्क्रीनशॉट्स लेके पेज लाइन बाय लाइन आपको एनसीआर के मीनिंग्स समझाना मतलब कि वो रखो तो यूट्यूब पे तो करती हूं प्लस पे भी अब मैंने ये चीज शुरू की है ताकि एनसीआर की लाइंस तुम्हारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए आगे चले सो so आंसर क्या बनेगा इसका ए को छोड़ के बीसीडी बी सी एंड डी आंसर है डन आगे चलो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब गर्निंग सीड डोरमेंसी सीड डोरमेंसी के लिए कौन सा इनिबेटरी सब्सटेंस इनमें से नहीं है अब देखो मेरे बच्चों ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम के चैप्टर का पार्ट है प्लांट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजियोलॉजी है ना अगर आप लोगों ने कुछ कुछ पढ़ना शुरू किया है अगर आप बिल्कुल ही नए बच्चे हो तो आपको नहीं पता होगा पर अगर आपने कुछ कुछ पढ़ना शुरू किया है तो <coughs> प्लांट फिजियोलॉजी में पांच चैप्टर है ठीक है पांच ही है ना हाँ उनमें एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें एक पार्ट है प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स इसके पीछे एक पार्ट है डोरमेंसी उसका ये क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मैं लेके इसलिए नहीं आई हूं क्योंकि जो ऑनलाइन एनसीईआरटी मिल रही थी उसमें ये स्क्रीनशॉट मुझे नहीं मिल रहा था पेज नंबर टू फिफ्टी टू चेक करो प्लस वन की एनसीईआरटी का ठीक है वो आपको बताएगा कि ये भी इनहिबिटरी सब्सटेंस है ये भी इनहिबिटरी सब्सटेंस है ये भी इनहिबिटरी सब्सटेंस है सिर्फ और सिर्फ एसिड इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है डायरेक्ट एनसीआर की लाइन है तो इससे हमें यह पता चलता है कि रट्टेबाजी वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं नीट में अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं जहां पर आपको आपकी समझ की जरूरत पड़ती है और रट्टेबाजी वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपका रट्टा भी उतना ही अच्छा होना चाहिए बहुत लोग कहते हैं ओ हम तो रट्टे नहीं हमारे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं वी आर गुड एट कॉन्सेप्ट बेटा अगर तुम ग्राउंड रियलिटी पे आ रहे हो बात कर रहे हो कि यार अगर मेरे को 340 350 चालीस मार्क्स लेना है मतलब हर टीचर तुम लोगों को ये क्लेम करता है बेटा मुझसे पढ़ोगे 360 मार्क्स आ जाएंगे 360 मार्क्स हलवा नहीं है बायोलॉजी में आपको एम करना है 350 के आसपास का क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमेशा ही ऐसा होगा जो आपकी रीत से बाहर होगा और उसके लिए आपको चिंता भी नहीं करनी है अगर आप 350 फिफ्टी यहाँ पर एम करोगे ना 340 फोर्टी टू थ्री तब आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री को भरपूर टाइम दे पाओगे क्योंकि सिर्फ बायो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना ना अब छह सात महीने रह गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी तुम लोगों को साथ में पढ़ना है तो हमेशा एम करना है 340 350 के आसपास ठीक है और उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए तुमको चाहिए कंसाइस नोट्स जो तुम्हें खुद भी बनाने हैं और तुम्हारा टीचर भी तुमको प्रोवाइड करेगा अगर तुम नोट्स नहीं बनाओगे तो एंड में दो दो एन पूरी बुक्स कैसे पढ़ के जाओगे भैया सो मैं अभी तुम लोगों को क्लियरली बता रही हूं अगर तुम दो के लिए सीरियस हो तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स ठीक है मेरे जो प्लस वाले बच्चे हैं उनको मैं हैंड राइटर नोट्स दूंगी लेकिन उसके बाद भी मैं उनको कहती हूँ कि अपने नोट्स खुद बनाइए ठीक है आप नोट्स बनाइए और उन नोट्स को हर रिवीजन के साथ छोटा कीजिए ताकि आपको अंत में सिर्फ एक या दो पेज रिवाइज करने पड़े एक चैप्टर में से और आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए ठीक है और उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए आपका रट्टा भी स्ट्रांग होना चाहिए सो ट्रिक्स बनाइए अपने लर्न करने के लिए या जो मैं आपको ट्रिक्स देती हूँ आप वो यूज़ कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सो यू कैन चेक पेज टू फिफ्टी टू मैच द फॉलोइंग डिजीज विथ पॉजिटिव एजेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का डायरेक्ट क्वेश्चन किए हैं चारों डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल एन सी आर टी में लिखा हुआ है इसका मैं स्क्रीन शॉट इसलिए नहीं लाई क्योंकि ये पूरे चैप्टर में बिखरा हुआ है कहीं कहीं पर सो पेज वन फोर्टी सिक्स से वन फोर्टी नाइन के बीच में प्लस टू की एन सी आर टी यदि आप खोलोगे तो आपके आपको इनके आंसर मिल जाएंगे ये बेसिकली सेशन उन बच्चों के लिए टारगेट किया गया है जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि पेपर कहां से आ रहा है कि मैम पढ़े क्या समझ में नहीं आ रहा जो बिल्कुल नया बच्चा है या जो बच्चे तैयारी किया लेकिन उसको पता नहीं चल रहा पेपर आ कहां से रहा है पेज टू ये वन टू वन खोलो देखो टाइफॉइड किससे फैलता है ठीक है जी <coughs> सेलमोनीला टाइफी एनसीआर टी में दी हुआ निमोनिया किससे फैलता है ये हीमोफाइलिस इधर आना चाहिए था फोर्थ में हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी ठीक है वो यहाँ पे ज्वाइन होएगा फाइलेरियासिस वचरे वुचरेरिया वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई वुचरेरिया मलाई ये दो स्पीशी वो दी हुए हैं स्पीशीज दिए हुए हैं एंड देन मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम से सो so आपका क्या बनता है ए का थ्री बी का फोर ए का थ्री बी का फोर ये वन आ गया फाइलेरियासिस सी का वन ठीक है जी बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सांस अंदर लेते हुए कौन कौन से इवेंट्स होते हैं डायरेक्ट एनसीआर का क्वेश्चन फिर से मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूं तुम्हारी आंखें ये खोलना चाहती हूं ये जो तुम ट्रू मैन लेके बैठे रहते हो ये जो तुम लोगों को टीचर्स इतना इतना एक एक चैप्टर का एक एक कॉपी जितना नोट्स बनवा देते हैं जितना इतना एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, बच्चे का दिमाग खराब हो रहा है एक चैप्टर नहीं तुम लोगों से पूरा हो पा रहा है तुम पूरा बायोलॉजी कैसे पढ़ोगे बच्चा नहीं हो पाएगा ना वो चीज़ सो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि बेटा जी एक्स्ट्रा पढ़ना छोड़ दो बिल्कुल छोड़ दो एक्स्ट्रा पढ़ना सिर्फ एन पढ़ो और एन की ट्रांसलेशन की एनसीआरटी क्या कहना चाह रही है एक अच्छे टीचर को चूज करो और कुछ नहीं करना तुमको यू चूज अ गुड टीचर जो आपको पढ़ के बताए कि एनसीआरटी में लिखा क्या है उसका मीनिंग क्या है क्योंकि आप खुद डिकोड नहीं कर पाते एनसीआरटी और दूसरा एनसीआर लो ठीक है और तीसरा एक एग्जाम्पलर ले लो ठीक है और एक अच्छी सी एम की बुक ले लो और पास्ट ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो और कुछ नहीं लेना तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक लो पढ़ने के लिए बुक नहीं लेना सब एनसीआरटी से क्वेश्चन है क्यों लोगे तुम पढ़ने के लिए जो तुम्हारा टीचर है वो एक्सप्लेन करेगा वो बता देगा तुमको काफी सारी चीजें तो ठीक है जी सो so, आओ देखते हैं क्या क्या होता है कॉन्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस स्क्रीन शॉट लेके आई हूं मैं टू सेवेंटी वन पेज नंबर में इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड ऑफ डायफ्राम द वॉल्यूम ऑफ थोरसिक चें मतलब ये भी होता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम भी होता है इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक है नहीं ठीक है pulmonary वॉल्यूम decreases ये तो गलत हो गया क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है volume वॉल्यूम का मतलब क्या होता है जो लंग के अंदर वॉल्यूम है वो बोला हुआ है तो जब थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा है ना जी आई होप आप लोगों को वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है क्लियर आ रहा है ना सब कुछ प्रिया यादव मुझे बहुत खुशी है जो लास्ट में मैंने वन शॉट रिविजन आप लोगों को कराए थे ना वन शॉट रिविजन जो कराए थे एक चैप्टर एक घंटे में कंप्लीट कितना ज्यादा सही चीज़ थी कि वो समरी में से कितना क्वेश्चन आया है मेरे को अफसोस ये है कि मैं सारे चैप्टर्स की समरी नहीं करा पाई आप लोगों को 10-15 चैप्टर्स की करा पाई अगर सारे चैप्टर्स की करा देती तो तुम लोगों का बहुत बढ़िया और ज्यादा रिवीजन हो जाता है ठीक है और देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स ये देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं ये रहा द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट द रिब्स ये वाला चीज हो गया देन ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन पलमनरी वॉल्यूम पलमनरी वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया एंड इंक्रीज इन पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पलमनरी प्रेशर सब कुछ एनसीआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है टू सेवेंटी वन पेज नंबर पे खोलो ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है आंसर बन गया ए बी डी ठीक है जी डायरेक्ट एनसीआरटी से क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटोरेस्पिरेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अब क्या है कि ये दिमाग में खचपच मचाता है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता ठीक है पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रुबिस ये फोटो रेस्पिरेशन होता कैसे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब आर

अब ये क्या है डायरेक्ट एनसीआरटी में कुछ चीजें इस क्वेश्चन की दी हुई हैं कुछ चीजें नहीं दी हुई ये चीज दी हुई है आर यूबीपी के पांच कार्बन है ये चीज दी हुई है कि ऑक्सीजन से मिलके बनता है ये चीज दी हुई है कि पीजीए बनता है उसका तीन कार्बन है पर ये नहीं दिया होगा कि फॉस्फोग्लाइकोलेट के कितने कार्बन है यार ये कॉमन सेंस है मैं नहीं कहूंगी कि इसको एनसीआरटी से बाहर का क्वेश्चन है ये कहां से एनसीआरटी से बाहर का क्वेश्चन है ये तीन कार्बन का ये पांच का ये तीन का है तो ये दो कार्बन का होना चाहिए दो कार्बन का होना चाहिए तो मैं तो इसको डायरेक्ट नहीं बट इट इज एन इनडायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन ये आपके टीचर का काम था ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है इस प्रकार के क्वेश्चन तो आंसर क्या बना सिक्स कार्बन कंपाउंड नहीं बना चार कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं बना है दो मॉलिक्यूल्स तीन कार्बन के नहीं बने है, क्या बनाए एक मॉलिक्यूल तीन कार्बन का बना है और एक मॉलिक्यूल दो कार्बन का बना है तो ये कंप्लीट नहीं है लेकिन इसमें सबसे बेटर आंसर यही है आंसर क्या होना चाहिए था इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ टू कार्बन कंपाउंड बट मैं कहूंगी ये इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं माना जाएगा ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा ठीक है नेक्स्ट आगे बात करते हैं ये देखो यहां पे दिया हुआ अच्छा मैं स्क्रीन भी लेके आई थी इन uh, uh, कहा से पढ़े आर यू बी पी इंस्टेड ऑफ बींग कन्वर्टेड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पी जी ए विद ओ टू

डायरेक्ट एनसीईआरटी रट्टेबाजी वाला क्वेश्चन है कतई रट्टाबाज क्वेश्चन है क्या था पेज नंबर टू वन फोर पे जाओ ठीक है प्लस वन की एनसीईआरटी का चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, ठीक है फोटोसिंथेसिस में तुम एक लाइट रिएक्शन नाम की चीज पढ़ते हो उसमें जेड स्कीम पढ़ते हो उसमें तगड़ी रट्टेबाजी है ठीक है अगर तुम लोगों को याद हो मैंने तुम्हें यूट्यूब पे कराया था स्क्रीन शॉट इसलिए नहीं लेके आई हूँ इसका क्योंकि जो मेरे पास ऑनलाइन वाली एनसीआरटी थी सॉफ्ट कॉपी उसमें इसका स्क्रीन मिल नहीं रहा था मुझे पर ऑफलाइन हार्ड कॉपी में पड़ा हुआ है याद है कैसा डायग्राम था यहाँ पे पी बना हुआ था और ये मैं कितना रटाया है तुम लोगों को यार पी बना हुआ था कितना रटाया ये ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन को प्लास्टोक्विन बी सिक्स एफ को है ना और यह देता है को को फिर ये देता है वन को. और ये रटवाया कैसे था मैंने पहले प्लास्टोक्विनोन आता है फिर बेचारा समय के साथ सयाना हो जाता है तो प्लास्टो सियाना बन जाता है प्लास्टो बन जाता है बीच में साइटोक्रोम बी सिक्स एफ होता है ऐसे रटवाया था अगर तुम लोगों ने यूट्यूब पर भी क्लास देखा है तो, तो बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है बेटा प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी एस टू टू साइटोक्रोम साइटोक्रोम सिंपल डायरेक्ट एनसीआर टी का क्वेश्चन है पेज नंबर दो सौ चौदह पे जाओ ठीक है डायरेक्ट अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा आया जो एनसीआर से बाहर है नहीं आया कई को तुम ट्रू मैन पढ़ रहा है कई को दिमाग खराब कर रहा है अपना इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डी एन ए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय प्लस टू के एनसीआर टी में जाओ ये कौन सा चैप्टर है बायोटेक बायोटेक का पहला चैप्टर खोलो चैप्टर वन बायोटेक का चैप्टर वन खोलो इस वाले डायग्राम पे जाओ यहां पे पेज नंबर में लेके नहीं आई ये वाले डायग्राम पे जाओ देखो यहां पे सिंपल क्या लिखा कितना लर्न किया था हम लोगों ने यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए इन इथीडियम ब्रोमाइड स्टेंड जेल एक्सपोज टू यू वी लाइट डाई है इथीडियम ब्रोमाइड और लाइट है यूवी लाइट डायरेक्ट एनसीआरटी इथीडियम ब्रोमाइड इन यू वी लाइट सिंपल बच्चा इस बार इतना बोल रहा है आसान पेपर था मैम आसान पेपर था मैम इतना आसान था और फिर जब मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है तो कितना कर रहा है तीन सौ मार्क्स आया मैम दो सो अस्सी मार्क्स आया मैम ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो क्वेश्चन को क्या कर रहे हो प्रैक्टिस कम करके जा रहे हो क्वेश्चन की क्या कर रहे हो बताओ चलो आगे चले द क्यू इज कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ई सी जी डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है डायरेक्ट प्लस वन में एक चैप्टर है सर्कुलेशन uh, ठीक है बॉडी फ्लूड का सर्कुलेशन वाला चैप्टर है उसमें लेके आई हूं मैं द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसमें एक टॉपिक है ई उसमें जाओ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीप पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स डायरेक्ट एनसीआर की लाइन उठाई हुई है इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा भैया The क्यूआर इज कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स डायरेक्ट यार कितना ECG हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे पढ़ा है प्लस पे पढ़ा है कितना पढ़ा है plant part which consists of this is a difficult question. ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एम्स 2003 में आया था और इस पर मैं comment नहीं करने वाली हूं ठीक है क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं पता अभी मैं इसको रिसर्च कर रही हूँ कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए वो तो जब एन का की आ जाएगा तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या दिया है सो so, ये क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन डाउट में छोड़ रही हूँ इसका मैं आंसर नहीं देने वाली आप लोगों को ठीक है बहुत सारी जगह यहाँ पे सीड आंसर दिया हुआ है बहुत सारी जगह ये पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो वाला आंसर दिया हुआ है सो अभी मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती ये तुम गलत करके आगे मैं मान गई क्योंकि यार ये मुश्किल क्वेश्चन है हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें यूट्यूब पे कराया है ना ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें तो प्लस पे कराया सो so, ये एक क्वेश्चन है जो मेरी टीचिंग से बाहर आया है ये मैंने नहीं पढ़ा है एंड आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स ने किसी ने भी ये पढ़ाया था तो ये कुछ गलत करके आओगे इससे कोई दिक्कत नहीं है एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा आएगा एक आधा क्वेश्चन छोड़ना भी है हमें सारे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने हैं अब बच्चे बोल रहे मैम आप देखो हमें डी डिस्करज करे बेटा तुम पेपर दो एक बार जो दो वाले बच्चे हैं एक बार पेपर दो तब तुमको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ कि भैया एक दो क्वेश्चन छोड़ने हैं गलत नहीं करके आने ऐसे क्वेश्चंस अगर बिल्कुल ऐसे दो क्वेश्चन मतलब तुम्हें बहुत लग रहा है श्योरिटी है तब क्वेश्चन ऐसा करके आना नहीं तो छोड़ दो एक आधा क्वेश्चन छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सो so, ये आई एम आई एम लीविंग नेक्स्ट आ जाओ द इन्फेक्शन स्टेट ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स ह्यूमन बॉडी ह्यूमन हेल्थ Human health के मलेरिया वाले उस पर जाइए ठीक है प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी लाइन है लिख इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा मलेरिया का पूरा एक डायग्राम है ना जो एक पेज पे उस पर भी स्पोरोजोइट दिया हुआ है तो डायग्राम से भी तुम देख सकते थे अगर तुम डायग्राम ध्यान से पढ़ते तो यहां से कितना लर्न कराता है स्पोरोजोइट स्पोरोट चलो आगे आइडेंटिफाइड द इन करेक्ट स्टेटमेंट सैपवुड ये कहां से आया है कौन सा आएगा अनाटमी अनाटमी ऑफ़ फ्लावरिंग प्लांट्स नाम का चैप्टर है डायरेक्ट एनसीआरटी का क्वेश्चन है प्लस वन की एनसीआर खोलो सैपवुड वाले हार्टवुड एंड सैपवुड करके एनाटमी में एक टॉपिक है अंत में जाके ठीक है उसमें सब कुछ दिया हुआ है सैप इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल सैपवुड इज इनर मोस्ट ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ टेन रेजिन हार्ट वुड इज डार्क इन कलर हार्ट वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर सब कुछ यहाँ पे है ठीक है सब कुछ यहाँ पे है डेपोजिशन ऑफ टेन इन रेजन डायरेक्ट इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम ठीक है जी वो डार्क ब्राउन हो जाएगी दिस सब्सटेंस मेक इट हार्ड ड्यूरेबल रेजिस्टेंट ड्यू टू अटैक ऑफ माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स दिस रीजन कंप्राइजेस ऑफ द हार्ट वुड द हार्ट वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर सिर्फ सैप वुड जो पेरिफ्रल रीजन में होता है वो वाटर कंडक्ट करता है याद है अपने ये यूट्यूब पे कितना कितनी बार पढ़ा है सब डायरेक्ट है सैप वुड जो है इनर मोस्ट रीजन नहीं होता हार्ट वुड इनर मोस्ट रीजन होता है देखो इधर द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर जो है वो हार्ट वुड है सैप वुड क्या है रीजन है साइड वाला रीजन है एनसीआर से डायरेक्टली इजी क्वेश्चन बारह में से अभी तुम्हारा ग्यारह क्वेश्चन सही होना चाहिए था अगर तुम अच्छी तरीके से पढ़ के जाते तो सिर्फ एक क्वेश्चन वो गलत हो सकता था वो जनरेशन वाला जो क्वेश्चन है आगे चलो फ्लिपर ऑफ पेंग्विन एंड डॉल्फिन आर डॉल्फिन्पल ऑफ कहां पढ़ा ये कहा पढ़ा बेटा कहां पढ़ा प्लस टू में जाओ एवोल्यूशन में जाओ एविडेंसिस ऑफ एवोल्यूशन एक टॉपिक है फ्लिपर्स ऑफ एंड जो है वो किसका एग्जाम्पल है एनालॉगी का एग्जाम्पल है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल है डायरेक्ट एनसीआर से एनालॉगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आंसर है ये रहा कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एवोल्यूशन आंसर है डायरेक्ट एनसीआरटी से एवोल्यूशन का क्वेश्चन एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन होमोलोगस एंड एनोलॉगस जब मैं तुम लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रही थी याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था इस पूरे चैप्टर में से अगर किसी टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो वो होमोलोगस और एनोलॉगस स्ट्रक्चर है एवोल्यूशन एज सच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पेपर में भी तीन चार क्वेश्चन आए हैं एवोल्यूशन के समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे चलो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ए बी ओ कहा पढ़ा है कहाँ पढ़ा है बेटा ये सर्कुलेशन वाला चैप्टर है ना ना ना, 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 ना सॉरी 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 ये कहाँ पढ़ा है हमने प्लस टू जेनेटिक्स चैप्टर वन जेनेटिक्स का चैप्टर वन आप जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं को डोमिनेंस का डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठाया है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है वन आई एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर देखो अब ये स्क्रीनशॉट देखें साथ कैसे खेल रहा है, है तुम्हारे साथ अब उसको वो शौक तो रहे नहीं एग्जामिनर को कि मैं आउट ऑफ सिलेबस डाल दूंगा मैं ऐसी जगह से डाल दूंगा कि बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आया कहाँ से ऐसा शौक नहीं है अभी उसको समझ रहे हो उसको ऐसा शौक नहीं है कि ये बच्चा तो अभी एम बी बी एस में जाने वाला है तो मैं इससे इतने डिफिकल्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लूँ तुम डॉक्टर बनने वाला है तुम्हें कुछ तो आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन नहीं है ऐसा उसके दिमाग में नहीं चल रहा क्या चल रहा है अभी एग्जामिनर के दिमाग में कि एक गाँव में पढ़ने वाला बच्चा और एक शहर में पढ़ने वाला बच्चे के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक शहर में पढ़ने वाले बच्चे को एडवांटेज नहीं होना चाहिए कि भैया तुम हाई फाई ट्यूशन जाते हो तो तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ा दी जाएँ और एक गांव का बच्चा जिसके पास हाई फाई ट्यूशन लगाने का पैसा नहीं है वो नहीं कर सकता वो एग्ज़ामिनर अभी उसको उसको हटा रहा है अभी वो ये कह रहा है कि जो भी बच्चा एन ढंग से पढ़ लेगा ना एक एक लाइन एन की पढ़ लेगा ना मैं उसको पूरे मार्क्स दूंगा ठीक है सारा का सारा खेल ही एन सी आर बेस कर दिया तो अभी तुमको अपना सारा नोट्स फेंकना है जो तुमने ट्रू मैन से बनाया है और जो तुमने बाहर के फलाने फलाने नोट्स से बनाया है ठीक है तुमको एन सी फोकस करना है ठीक है एक टीचर पकड़ लो जो तुम्हें एक्सप्लेन करता रहे है एनसीआर टी और कुछ नहीं करना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो धड़ाधड़ धड़ एनसीआर कुछ नहीं करना तुम लोगों को समझ रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पाइलम को डेटा नोटो कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ अच्छा आओ एनसीआर की लाइन देखते हैं इन यूरो हाँ इन यूरोकॉर्डिटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल ठीक है जी तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया डायरेक्ट एन का लाइन है इन वर्टी ब्रेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली ठीक है देख लेते हैं इन वर्टी ब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली ये तो स्टेटमेंट सही हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो आप देखते हैं एनसीआरटी की लाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो कॉर्डेटा का

क्या तुमको एनसीआरटी में से मैं कुछ भी पूछ रहा हूं तो तुम बता दोगे कि ये लाइन सही है कि नहीं ये लाइन गलत है कि नहीं अगर तुम बता सकते हो एंड बिलीव मी इट इज नॉट ईजी मैं इतने सालों से टीच कर रही हूं ठीक है मेरे को भी होता है कि यार ये लाइन अच्छा एनसीआरटी में है कि नहीं आंसर तो पता होता है मुझे पर ये नहीं याद होता एग्जैक्टली exactly एनसीआरटी में लाइन है कि नहीं तो सोचो तुम लोग को एनसीआरटी कितना ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और कितनी बार पढ़ने की जरूरत है कितना बार रिविजन होने वाला है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस ये है एंडोक्राइन सिस्टम प्लस वन का आखिरी चैप्टर ये देखो मेलाइटिस विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन इसको क्या बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मुल कंपाउंड कीटोन बॉडीज क्या बोलते हैं कीटोन यूरिया एनसीआरटी में डायरेक्टली ये वर्ड्स नहीं दिए हैं यूरेमिया नहीं यार सॉरी 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 गलत एंड टन यूरिया बनेगा ठीक है जी सो so, एनसीआर में डायरेक्ट वर्ड्स नहीं दिए हैं यूरिमिया तो हाई यूरिया कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड होता है इसका डायबिटीज मेलाइट से कोई लेना देना है नहीं ये वर्ड्स एन में शायद दिए हैं कहीं और दिए हैं मुझे याद नहीं आ रहा है बट इसका रेफरेंस है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन माना जाएगा एनसीआर का बाहर से नहीं माना जाएगा ठीक है जी आगे चलो द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज प्लस टू का जेनेटिक्स पार्ट टू डायरेक्ट एनसीआर टी का क्वेश्चन है ये देखिए देयर फोर इन द फर्स्ट फेज इट सेल्फ अमाइनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ए टीपी लिंक टू द कॉग्नेट टी आर एन ए प्रोसेस कॉमनली नॉन एज चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप इट सेल्फ फर्स्ट फेज में ही चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए हो जाता है ट्रांसलेशन टॉपिक खोलो डायरेक्ट एनसीआर की लाइन है कि भैया सबसे पहले अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टी आर एन नेक्स्ट रे फ्लोरिट्सोरिट्स कहां है कौन सा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी प्लस कितना लर्न कराया रे तुमको मैंने मॉर्फोलॉजी कितना लर्न कराया प्लस वन में कैसे लर्न कराया था कि इंफीरियर जब ओवरी होती है जब औरतें इन्फीरियर होती हैं तो भी वो अपने आप को ग्रेस से हैंडल करती हैं याद कराया था

ठीक है इस एक पैराग्राफ में से दो क्वेश्चन आया है नीट में डायरेक्ट उठा लिया ठीक है आगे चले द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग ग्रोथ सबसे ज्यादा कहां पे होती है ये कौन सा चैप्टर है भैया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लस वन का चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी में लास्ट uh, चैप्टर है ठीक है उसमें ये वैसे ये डायग्राम बहुत जगह तुम्हें तो देखने के लिए मिलेगा लेकिन ये मुझे वहां पे मिल गया तो मैंने दिखा दिया ये लैग फेज होता है ये लॉग फेज होता है ये स्टेशनरी फेज होता है एक्सपोनेंशियल फेज में देखो एनसीआर में क्या दिया हुआ है द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो जो कि लैग फेज है एंड इट इंक्रीजेज रैपिडली एट दी एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारी होती है लॉग फेज पे 243 पेज नंबर खोलना लसवन का एनसीआरटी डायरेक्ट डायरेक्ट रूट दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम हाई हाई ये तो आउट ऑफ एनसीआरटी क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ एनसीआरटी क्वेश्चन मोरफॉल जी पे जाओ कितना बार मैंने समझाया था कि जो स्टेम से रूट होंगे पहली बात तो वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ट्रू रूट नहीं है ठीक है और इनमें से एडवेंटेशस रूट का एग्जाम्पल फाइबरस रूट है और अगर तुम्हें तो लगता है ये एन में नहीं है मैम ये तो बाहर से आया था ये तो मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से आया मॉर्फोलॉजी में प्लस वन में पेज सिक्सटी सिक्स खोलो प्लस वन की एन में वहाँ आपको कुछ ऐसा सिस्टम मिलेगा देखो दीज इज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम हा ये तो बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होती हैं एज सीन एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम फाइबरस रूट सिस्टम स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होता है बताया था बताया था बताया था क्लास में भी बताया था यूट्यूब पर भी बताया था प्लस पे भी बताया था सब जगह बताया था ठीक है जी सो so, डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक इनडायरेक्ट एक आया एक आया इनडायरेक्ट ठीक है डायरेक्ट ठीक है जी आगे चलो इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन डायरेक्ट डायरेक्ट एनसीआरटी प्लस टू में जाओ प्लस टू में एक चैप्टर है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है याद है मैंने यूट्यूब पे कैसे चार्ट बना के बताया था कि कुछ एनिमो होते हैं जो विंड से होते हैं कुछ वाटर uh, से होता है देन वाटर में भी कुछ विंड पॉलिनेटेड होता है ऐसे ऐसे करके चार्ट बनाया था बहुत बड़ा कुछ अंडर वाटर होता है ऑन सर्फेस ऑफ वाटर होता है कुछ वैलीसनेरिया सर्फेस ऑफ वाटर पर होता है अंडर वाटर जोस्टेरा ग्रास होता है याद है बनाया था पूरा पूरा टेबल बनाया था बेटा जी पेज ट्वेंटी नाइन पर जाओ इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेके आई मैं ठीक है पेज ट्वेंटी नाइन खोलो प्लस टू के एनसीईआरटी लाइन मिल जाएगा तुमको लाइन मिल जाएगा ये वाटर आइसेंट और वाटर लिली पानी में तो होते हैं लेकिन ये पानी के बाहर सरफेस पे आके या तो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं या विंड से पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट या विंड से पॉलिनेशन होता है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन टू एनरबिक्स लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट ये बकवास क्वेश्चन कहां से आया है प्लस टू में जाओ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है इन ह्यूमन वेलफेयर उस पर जाओ सीवेज प्लांट वाले टॉपिक पे ठीक है जी इधर आओ दिस सेडिमेंट कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पंप्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पंप्ड बैक इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर इससे सिंपल और सीधा क्वेश्चन क्या मिलेगा एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में आप एक्टिवेटेड स्लज को डालते हो डायरेक्ट क्वेश्चन है। पे मिलेगा ये स्क्रीनशॉट मिलेगा? प्लस में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे जाओगे ठीक है जी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे जाओगे ठीक है वहां पे ये, ये उस पर जाओगे सीवेज प्लांट पे जाओगे हो गया आगे चलो ए सिलोमेट्स आर एग्जाम्पलिफाइड प्लस वन में एनिमल एनिमल किंगडम से इस बार बहुत कम क्वेश्चन आया है जो कि तुम्हारे लिए अच्छी बात है क्योंकि तुम्हें एनिमल किंगडम लर्न नहीं होता लेकिन एनिमल किंगडम पढ़ना तो पड़ेगा अगर एक दो क्वेश्चन भी आ गया तो तुम मिस नहीं कर सकता इतना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है ऐसा नहीं है कि आसमान फाड़ देगी तुम्हारी कट ऑफ ऐसा नहीं है 600 से नीचे ही रहेगी तुम्हारी कट ऑफ लेकिन सोचो ना 720 में से अगर तुमको 580 सौ अस्सी स्कोर करने का है तो तुमको कितना परफेक्ट होना पड़ेगा बायोलॉजी में तुम ये सोचो तुम ऐसा नहीं जा सकते कि एक चैप्टर नहीं पढ़ा छोड़ दिया मैम मन नहीं कर रहा था कैसा मैम नहीं पढ़ेगा हम ऐसा नहीं कर सकता तुम कर सकते हो नहीं कर सकते ना इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है क्वेश्चन आसान आएंगे लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है तो आप एनिमल किंगडम नहीं छोड़ सकते हो आपको जो गंदे चैप्टर लगते हैं क्या है लर्न करना है रट्टा मारना है अपने टीचर के साथ बैठो और रट्टा मारो ठीक है जी प्लस पे अगर तुम मेरे साथ रट्टा मारना चाहते हो तो कोड रिथु यूज करो ठीक है दस परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा मेरा हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा मेरा डीपीपीज भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा मैं प्रिपेयर कराऊंगी तुम लोगों को ठीक है अभी

बेसिक होता है बेसिक प्रोटीन होता है और फिर वो क्यों होता है बेसिक प्रोटीन क्यों होता है हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक प्रोटीन क्यों होता है प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स रेजिड्यूज विथ चार्ज साइड चेंज हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन तो भैया यहां पर डायरेक्ट एनसीआरटी है डायरेक्ट जब डायरेक्ट है तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता ना गलत करने का प्लस टू में जाओ जहां पैकेजिंग ऑफ डीएनए वाला पार्ट है है ना जहां पे हिस्टोन प्रोटीन से आप बनाते हैं क्या पर्ल नेकलेस बनाते हैं आप क्या बोलते हैं इसको क्रोमेटिन बनाते हैं क्रोमैटिन नहीं बनाते हैं, वहां पर दिया हुआ है आगे चलेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असेस द दो विच कैन नॉट कंसीव अभी तुमने गलत किया ये क्योंकि तुमने एम्ब्रेज नहीं देखा कि भैया एम्ब्रियो के ट्रांसफर की बात हो रही है ठीक है कहाँ जाओगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाओगे प्लस टू का चैप्टर है लास्ट टॉपिक है आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी डायरेक्ट एनसीआरटी का लाइन है द दाइगॉट और अर्ली एम्ब्रियोज कुड देन बी ट्रांसफर्ड इन टू द फलोपियन ट्यूब या तो आप जिफ्ट करोगे अर्ली एम्ब्रियो के साथ या फिर आई करोगे आप अर्ली एम्ब्रियो के साथ जिफ्ट या आई करोगे ठीक है जी सो so आंसर क्या बन गया हमारा जिफ्ट और आई गिफ्ट नहीं हो सकता ना गैमीट नहीं ट्रांसफर कर रहा ना तुम ये इन करेक्ट इंक्लूजन बॉडीज पहले तो तुमने पढ़ा कहा है पहली बार तो ये याद रखो प्रोक्रियोटिक सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्लस वन का चैप्टर है उसका स्क्रीनशॉट अगर तुम लोगे राइबोजोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज का इंक्लूजन बॉडी में साफ साफ लिखा हुआ है रिजर्व मटेरियल इन प्रोक्रिया प्रोक्रियाटिक सेल्स दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम साइनोफेसिन स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं uh, और किसका ग्लाइकोजन का ग्रेन्यूल्स है फॉस्फेट का ग्रेन्यूल्स है तो वो ग्रेन्यूल्स नहीं बाइंड है ना किसी भी चीज़ से नहीं बाइंड है डायरेक्ट एनसीआरटी लाइन है ठीक है जी कहाँ जाओगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्लस वन का चैप्टर राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज वाले टॉपिक पे चले जाओगे दे आर नॉट बाउंड बाय इस इनकरेक्ट अच्छा 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 इन ढूंढना था अच्छा इनकरेक्ट ढूंढना था ये करेक्ट हो गया रिजर्व मटेरियल करेक्ट हो गया दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स गलत हो गया अब ये सारे लाइंस वहाँ पे हैं ये सारे लाइंस यहाँ पे हैं ठीक है रिजर्व फूड ये वो इंजेक्शन ऑफ वाला नहीं है डायरेक्ट एनसीआरटी का क्वेश्चन है दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ

क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया तुम लोगों को दिया पर ये तो एनसीईआरटी ने बताया ही नहीं कि उसको प्रूव करने की कोशिश किसने की कि एनसीईआरटी ने बताया था कि उसको प्रूव करने की कोशिश किसने की प्लस टू की जेनेटिक्स नंबर टू चैप्टर पे जाओ और वहाँ पे एक इस प्रकार से पेज है ठीक है जहाँ पे मॉर्गन वाला जहाँ पे शुरू होता है ठीक है तो उसने कहा

सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहाँ जाओगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम के चैप्टर पे जाओ उस पर एस का एक टॉपिक है उस पर जाओ ठीक है जी तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसमें आपको सारा आ, वो दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे कि गोनोरिया सिफलीस जेनिटल हर्ब्स हर्पीज क्लाइमाइडियाज जेनेटल वॉट्स ट्राइकोमोनी हेपेटाइटिस बी एंड एच वाला जो एड्स का इन्फेक्शन है सब कुछ दिया हुआ है तो इसमें से आपको पता चल जाता कि भैया मलेरिया गलत है और यहाँ पे फिर मलेरिया आ गया ठीक है और यहाँ पे क्या आ गया कैंसर आ गया तो आंसर ये है डायरेक्ट एन सब एन सब एन सी आर टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन क्वेश्चन का आंसर है क्या गलत है कि जो ए और बी चेन है वो डाइसल्फाइड लिंकेज से लिंक्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक नहीं होते इससे बड़ा तुम्हें क्या प्रूफ मिलेगा तुम जाओ बायोटेक का सेकेंड चैप्टर बायोटेक पे है 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 प्लस प्लस में में आता आता कहाकेंड चैप्टर बायोटेक का सेकेंड चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वहां पर ऐसा ऐसा है डायग्राम में तुमको यार डाइसल्फाइड लिंकेज बना के दिखाया कि भाई डाइसल्फाइड है देख ले देख ले डाइसल्फाइड है और ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था डाइसल्फाइड वाला का ही है, एक पहले भी आ चुका है लिंकेज। कितनी बार बच्चा यार? एक ही पे, और क्वेश्चन तो सही कर क्या यहाँ पे गलत था रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी थी आपको विच इज दाइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइको लिक्विड इन यू के कहाँ पे आएगा ये इतना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्लस वन का चैप्टर है तो निकालो इसके गोल्जी एप्रेटिस पे जाओ गोल्जी एप्रेटिस यहां पे टॉपिक है गोल्जी टॉपिक है उसकी लाइट लास्ट लाइन देखो गोल्जी गॉल्जी इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स मिल गया डायरेक्ट मिल गया तो इसका आंसर गोल्जी गोल्जीटस आ गया चले आगे आगे देखते हैं मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ठीक है जी ये कहां से आया फिर से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड ह्यूमन वेलफेयर से आया है ठीक है इसमें एक पूरा पार्ट है कि किसने क्या बनाया देखो इस प्रकार से टॉपिक है केमिकल्स इंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एस्पर्जिलस नाइजर ने सिट्रिक एसिड बनाया एसिटोबैक्टर ने एसिटिक एसिड बनाया क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम ने ब्यूटैरिक एसिड बनाया लैक्टोबैसिलस ने लैक्टिक एसिड बनाया यीस्ट ने इथेनॉल दारू बना दी है ना और देखो ट्राइकोडर्मा पॉलिसपोरम ने साइक्लोस्पोरिन ए बना दी जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ठीक है जी स्ट्रेप्टोकोकस ने स्ट्रेप्टोकाइनेज बना दिया जो कि क्लॉट बस्टर है और भी था एक मोनास्कस प्रप्यूरियस वाला भी था वो शायद अभी स्क्रीन शॉट में आया नहीं है सब कुछ तो दिया हुआ एन सी टी में एस्पर्जिले नाइजर ने क्या बनाया है सिट्रिक एसिड ठीक है जी क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम ने ब्यूटायरिक एसिड ट्राइकोडर्मा पॉलिसफोरम ने साइक्लोसफोरिन ए और मोनास्कस परफ्यूरियस ने ये क्या कहते हैं स्टैटन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स सो ए हो गया टू ए की आंसर बन रहा है ए का टू ए की है बी का वन सी का फोर हाँ यही आंसर बन रहा है एक भी ए भी तुमको आता होता तो तुम सही कर देते हैं एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवल्यूशनसी में जाओ, जाओ प्लस टॉपिक मिलेगा एविडेंसिज ऑफ एवोल्यूशन एविडेंसिज ऑफ एवोल्यूशन दिया हुआ है कि जो एम्ब्रोलॉजिकल है इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेके आई मैं एम्ब्रोलॉजिकल जो एविडेंस है वो अर्नेस्ट केस ने हैकल ने दिया था बायोजेनेटिक लॉ और उसको रिफ्यूट किया था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने डायरेक्ट एन का क्वेश्चन है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर कहाँ से आया है ये बायोटेक का क्वेश्चन है बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है प्लस टू में से एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड वेक्टर करके एक टॉपिक है उसमें फर्स्ट ही पॉइंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है जी सो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डी डायरेक्ट एनसीआरटी की लाइन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट वायरॉइड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितना बार पढ़ाया यार ये तुमको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लस वन का चैप्टर है लास्ट पार्ट पे जाओ वायरॉइड्स वायरोइड्स टीओडाइनर डिस्कवर्ड न्यू इन्फेक्शस एजेंट दैट वाज़ स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल डिसीज़ इट वाज़ फाउंड टू बी फ्री आरएनए इट एट लैक द प्रोटीन कोट द आर ऑफ़ द वायड वॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट फ्री आर फ्री आरएनए डीएनए तो है नहीं ठीक है प्रोटीन कोट नहीं है फ्री आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोट सिंपल क्वेश्चन एनसीआरटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो साइन इन एटी सेवन कहा पढ़े हैं तुमने प्रोटोकॉल भैया ये फलाना प्रोटोकॉल दुनिया को बचा लो पॉल्यूशन होता जा रहा है प्लस टू का चैप्टर है अंत वाला इन्वायरमेंटल इश्यूज इकोलॉजी का लास्ट टॉपिक इतना पढ़ाया ये कि मॉन्टी नाम का बंदा ओजोन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था ठीक है तो उसने एक प्रोटोकॉल कराया था प्रोटोकॉल ठीक है मॉन्टी के नाम से हम लोगों ने लर्न किया था जाओ 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 वो ये Environmental issues पे डिलिटरी इफेक्ट ऑफ ओजोन साइंड इन ईयर भी आ सकता था कब इफेक्टिव हुआ ये भी आ सकता था कुछ भी आ सकता भैया तो डायरेक्ट एनसीआर है यार नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज़ कहा से आया क्वेश्चन प्लस वन में जाओ प्लांट फिजियोलॉजी में जाओ प्लांट रेस्पिरेशन एक टॉपिक है ना सेकेंड लास्ट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी का उसमें एक ऐसा दिया हुआ है सबस्ट्रेट लेवल एटीपी होता है जो डायरेक्ट एटीपी बन जाता है एक ही है ओनली वन यहां पे भी दिया हुआ है वन ओनली वन डायरेक्ट एनसीआरटी से क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड वन, सही है आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल स्क्रीनशॉट नहीं लेके आई इसका मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाओ ठीक है वहां एक टॉपिक आएगा कौन सा टॉपिक है वो मेन्स्टल साइकिल आई थिंक मेंस्टल साइकिल में यह चेक कर लेना एक बार पेज नंबर फिफ्टी वन पे चेक करना ठीक पे. है पेज नंबर फिफ्टी वन पे डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल एच आंसर आना चाहिए ठीक है रिलीज ऑफ फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रोजेस्ट्रॉन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफ एस एच ये तो बकवास है ये बकवास है हाई कॉन्सेंट्रेशन अच्छा ये ये मिस प्रिंट है, है रुक जाओ मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ मिस प्रिंट है ये क्या करूंगी तुम लोगों का चैट देख के बच्चे कह रहे मैम आप चैट नहीं देखोगे इतना कौन बोलता है मैं बोलती हूँ भाई इतना तुम्हें पता नहीं मैं कितना बोलती हूँ <laughs> मेरे ख्याल से मिस प्रिंट है ये क्वेश्चन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल एच होना चाहिए था यहाँ पे आई थिंक मिस प्रिंट है मैं भी चेक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा फोन बिजी है तुम लोगों के चैट से बट मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ एक बार रुको यार मिलता है तो ढूंढ लेती हूँ कहीं पे एल एच वाला क्वेश्चन कहाँ गया कहाँ है भैया ढूंढ रही हूं रुको हे प्रभु परमात्मा नहीं यार लो ही है लो कंसंट्रेशन ही है लो कंसंट्रेशन ही है मिसप्रिंट नहीं है यार ये मिस प्रिंट नहीं है नहीं 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 सॉरी 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 मिसप्रिंट नहीं है बच्चों ये मैंने गलत बोला है मिस प्रिंट नहीं है बच गए तो बेटा तुम अभी गलत बताया जाता देखो याद है जब कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ऊपर होती है तभी एलएच की पीक आती है हाई एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन की वजह से ही हाई एलएच आता है तो बेसिकली इसका आंसर हाई एलएच होना चाहिए था क्योंकि हाई एलएच यहाँ पे नहीं है तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन को हम आंसर मान सकते हैं। समझ रहे हो क्या हुआ है हाई एलएच का कंसंट्रेशन होना चाहिए था लेकिन एलएच का कंसंट्रेशन क्यों आता है एस्ट्रोजन के कंसंट्रेशन से आता है तो हाई एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आंसर होगा क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन एफ से तो कोई मतलब ही नहीं है ना और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल से भी कोई मतलब नहीं है तो हमारा आंसर फोर बनेगा और इसको भी आउट ऑफ एनसीआर नहीं कहेंगे एन के अंदर से है क्योंकि डायग्राम में दिया हुआ है यार जब एस्ट्रोजन ऊपर जा रहा है तो एल ऊपर जा रहा है और लिखा भी हुआ है ठीक है मैंफुल साइकिल वाले टॉपिक में पेज फिफ्टी पे सिलेक्ट द करेक्ट मैच अच्छा इसका मैं पेज या स्क्रीन शॉट नहीं लाई हूं क्योंकि ये कुछ पेजेस में बिखरा हुआ क्वेश्चन है जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये फर्स्ट चैप्टर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ठीक है जी सो so, वहां पे हर डिजीज के आगे लिखा हुआ है कि ये ऑटोजोमल है ये लिंक्ड है ये रिसेसिव है ये डोमिनेंट है तो है एनसीआरटी का क्वेश्चन लेकिन एक पेज पे नहीं है कुछ पे फैला हुआ है ठीक है इसलिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेके आई मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी सिक्कल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव ये सही लग रहा है लिंक्ड बकवास एक्सलिंग डिसऑर्डर्स आपने सिर्फ दो पढ़े हैं कौन कौन से हिमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस तो हिमोफिलिया तो हो ही नहीं सकता आंसर टू है बिल्कुल एन सी आर सब दिया हुआ एनसीईआरटी में आगे चलेंगे अच्छा वैसे मैं एक स्क्रीनशॉट लेके आई थी कि हीमोफिलिया सेक्स लिंक्ड होता है रिसेसिव होता है सिक्कल ऑटोसोमल ऑटोजोमल ट्रेट दिया हुआ है एनसीईआरटी आंसर का स्क्रीनशॉट लेके आ गई थी मैं ियम विध ब्रश बोविलाई इज फाउंड इन जाओ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स प्लस वन का चैप्टर है वहां पे वाला जो टॉपिक है वहां जाओ ठीक है जी द एपिथिलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई ठीक है जी क्यूबॉइडल एपिथिलियम में माइक्रोविलाई होता है पीसीटी के अंदर ठीक है जी बॉर्डल एपिथिलियम में ब्रश बॉर्डर मतलब माइक्रोवेलाइ होना इसका एग्जाम्पल है स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन इज ड्यू टू फिर से ये वो इन्वायरमेंटल इश्यूज है और वही जहां पे हमने पढ़ा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जस्ट उसके ही ऊपर दिया हुआ है प्लस टू का लास्ट टॉपिक है ये लास्ट चैप्टर है स्नो ब्लाइंडनेस ठीक है जी क्यों होता है ये हाई डोज ऑफ यू वी बी कॉज स्नो ब्लाइंडनेस हो गया इसका आंसर हाई डोज ऑफ यूवी बी रेडिएशन एनसीआरटी चालीस क्वेश्चन में से सिर्फ तुम्हें एक क्वेश्चन का रेफरेंस नहीं मिला एनसीआरटी में है ना जिसमें तीन जनरेशन दो जनरेशन एक ही में बाकी सब एनसीआरटी से है विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा अच्छा ये नहीं है डायरेक्टली एन सी आर टी में एन सी आर टी में ये दिया हुआ है ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है कि भैया जो ग्रीन एलगी है उनमें से कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं ब्राउन एलगी और जो रेड एलगी है वो मल्टी सेलुलर होते हैं तो इसमें से हमें यह पता है कि ये रेड एलगी है ये एलगी नहीं है एना बीना ब्लू ग्रीन एलगी है ये तो ये नहीं माना जाएगा साइनोबैक्टीरिया ठीक है थेके? और ये ब्राउन एलगी है ये भी ब्राउन एलगी है तो हमारा आंसर यही बनेगा तो ये इनडायरेक्ट एनसीआरटी है डायरेक्टली कहीं पे लिख के नहीं है कि स्पायरोना और क्लोरेला अगर है तो मुझे मिला नहीं है ठीक है इनडायरेक्ट एनसीआरटी है पर एनसीआरटी है द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स ये किसका प्लांट है और क्या पार्ट की बात हो रही है बेटा साफ देख के पता चल रहा है वेस्कुलर बंडल जहां कॉन्जॉइंट और क्लोज हो जाए रूट में हमेशा <coughs> रेडियल होते हैं स्टेम में हमेशा कॉन्जॉइंट होते हैं तो पहली बात तो यहाँ पे स्टेम की बात हो रही है कितना लर्न कराया था कि भैया स्टेम में सबको डर लगता है इसलिए ज्वाइन हो जाता है सब कुछ रूट में सब खुल्लम खुल्ला घूमता है क्लोज्ड है तो मोनोकॉट की बात हो रही है क्योंकि मोनोकॉट की सोच बहुत क्लोज होती है तभी इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती मोनोकॉट स्टेम की बात है बाकी ये मिल जाएगा आपको पेज 93 थ्री ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये रहा। बंडल्स आर एंड क्लोज डायरेक्ट एनसीआरटी हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्री प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सिलेक्ट एज पेयर जब मेंडल की बात आ गई तो प्लस टू में जाओ जेनेटिक्स खोलो फर्स्ट चैप्टर खोलो वहां पर ऐसा डायग्राम दिया हुआ है सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लान दिए बाई में दिया हुआ है डायग्राम में। तो हमारे पास चौदह आंसर आ गया क्योंकि मतलब चौदह ट्रेड्स पढ़े थे ठीक है जी तो चौदह आंसर आ गया। फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू ये तो मैम आउट ऑफ एनसीआरटी था ये तो हो ही नहीं सकता मैंने पढ़ा ही नहीं है प्लांट किंगडम में जाओ प्लस वन रेड एलगी रोडोफाइसी में जाओ रोडोफाइसी में जाओ कहाँ गया

ट्स डीएनए न्यूक्लियर डिविजन टेक्स प्लेस डीएनए सिंथेसिस और रेप्लीकेशन टेक्स प्लेस पेज वन सिक्सटी थ्री पे जाओ प्लस वन की एनसीआरटी सेल साइकिल वाला क्वेश्चन है ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स डीएनए डायरेक्ट एनसीआरटी का लाइन है सेल साइकिल में जाओ प्लस वन में डायरेक्ट एनसीआरटी का लाइन मिल जाएगा तुमको By which method was a new breed Hisar Dale of sheep formed by using Bikaneri ewes and Merino rams? ठीक है जी कहाँ जाओगे Strategies in food enhancement एक plus टू का chapter है Hisar Dale कैसे बना था Strategies in food enhancement में जाओगे वहाँ पे एक chapter है breeding वाला sorry एक topic है breeding वाला ऐसा screenshot मिलेगा उसका क्रॉस ब्रीडिंग ठीक है जी क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल ढूंढो ढूंढो हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप इन पंजाब बाय क्रॉस ब्रीडिंग बीकानेरी मरीनो रैम्स क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है जब एक ब्रीड से दूसरी ब्रीड में मेटिंग हो जाती है अभी इतना आसान नहीं क्योंकि क्रॉस भी कुछ होता है ठीक है इन ब्रीडिंग भी कुछ होता है मिक्स तो कर देते हैं बच्चे उसमें ठीक है सो क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है ये चले आगे तुम लोग कितना पानी पी लेते हो मैं थक गई हूं <coughs> तुम लोग कितना मैंने बोला था ना 2020 के एग्जाम से पहले कि एनसीआर पढ़ो एनसीआरटी पढ़ो सिर्फ एनसीआरटी पढ़ो 2019 में बोलना चालू किया था मैंने तुम लोगों को जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था तो बच्चे मुझसे पूछते थे कि मैम और एक्स्ट्रा क्या पढ़ें तो मैं कहती थी कि बहुत ज्यादा करना चाहते हो तो कोई प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल ले लो एलन का ले लो आकाश का ले लो ठीक है कोई बुक ले लो फिंगर टिप्स ले लो प्रैक्टिस कर लो मैम नहीं थ्योरी के लिए कहाँ से पढ़े मैं कहती थ्योरी के लिए कुछ नहीं चाहिए बस मेरे लेक्चर लगा लो और एन पढ़ लो फिर जब मैं पढ़ाती हूँ यूट्यूब पर या जब मैं वो शॉर्ट सेशन ले रही थी वन शॉर्ट रिविजन वाला फिर बच्चे कहते हैं मैम इज दिस इनफ मैंने कहा दिस इज इनफ मैम एन से कितना क्वेश्चन आएगा मैंने कहा 80 से ऊपर ऊपर क्वेश्चन आएगा 80 टू 85 क्वेश्चन एन से आएगा एन से आएगा 2021 का पेपर भी बचाओ 2021 का पेपर सारा एन से आएगा एक दो एक दो क्वेश्चन बाहर से रहेगा एटी टू एटी फाइव क्वेश्चन एन से आएगा सो so अगर तुम अपना एग्जाम बचाना चाहते हो ना धड़ा धड़ाधड़ एन सी आर टी धड़ाधड़ एन सी आर टी की रीडिंग मार दो मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो प्लस पे आ जाओ अगर तुम अभी तक नहीं आए हो रितु कोड यूज़ करके तुम्हारा प्लस का सब्सक्रिप्शन का पैसा बढ़ने वाला है तो टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी है अगर तुम बाद में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स ठीक है तो अब तुम्हें लगता है ये कहाँ पर दिया हुआ है मैम ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं ह्यूमन हेल्थ में जाओ एक्टिव इम्यूनिटी वाले टॉपिक पर जाओ आवर बॉडी वेन इट इंकाउंटर्स एक्टिव इम्यूनिटी यही होती है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो पार्ट होते हैं एक्टिव और पैसिव तो ये एक्टिव की बात हो रही है

ई कॉर वन द्वारा काटे जाने वाला पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस ये रहा जी ए ए टी टी सी ये फाइव डैश एंड है ये थ्री डैश एंड है इतना बड़ा बड़ा डायग्राम में तुमको दे रहा है जी ए ए टी टी सी का है ये रहा इफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्वेटिव बेस पेयर एंड इतना है एंड नंबर ऑफ बेस पेयर इतना है तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितना है कुछ बच्चा वहां कैलकुलेट करने बैठा होगा इतना है इतना है तो मैं मल्टीप्लाई करके इतना निकाल दूँ। एक चैप्टर है जेनेटिक्स सेकेंड चैप्टर पैकेजिंग ऑफ डीएनए का ये लाइन है आपके सामने प्रस्तुत अगर हमारे बीच में डिस्टेंस कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस है एंड इतना हमारे पास बेस पेयर है इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 पॉइंट टू मीटर्स तो ये बेटा जी पढ़ के जाना था कैलकुलेट नहीं करना था वहां पे 2.2 मीटर ठीक है इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट मे लिव फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज एनसीआरटी में कॉकरोच दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि भैया जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है वो गैंगलिया होते हैं उसमें सेगमेंटली अरेन्ज गैंग्लिया होता है ठीक है वेंट्रल साइड पे जिसमें से तीन थॉरिक्स में और छह एबडोम में लाई करता है ठीक है Head के पास तो बस थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम होता है, वेल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी सो नाउ अगर तुम हेड भी काट दो कॉकरोच का इट विल स्टिल हेड अगर कॉकरोच काट दिया तो ये फिर भी कुछ दिनों तक जिंदा क्यों रहता है डज नॉट बकवास। ड होल्ड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ द बॉडी यहां पर गलत क्या पार्ट गलत है यह गलत है सुप्राजियल गैंगलिया वेंट्रल पार्ट में होता ही नहीं देखो आगे दिया हुआ सुपरा ईसोफेज गैंगलिया ठीक है सब एन सी आर टी से तुमको लगता है पता नहीं कहां से आ गया सब एनसीआरटी इस पूरे उसका सेशन का सिर्फ इतना सा ही पर्पज है तुम्हारे दो घंटे लगाने का क्योंकि तुमको आंसर तो पता ही है अब किसका क्या है तुम लोग सब चेक कर चुका है इधर उधर इंस्टीट्यूट से ये तो सेशन बहुत लेट है इसका पर्पज यही है कि तुम्हें पता चले कि एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ नहीं है और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं बस दो का इक्कीस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना बस ये है और कुछ नहीं है मैच द ट्रॉफिक लेवल देयर करेक्ट एग्जाम्पल ये तो बहुत ही सिंपल था फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल अपने को पता है हमेशा घास पत्ता होना चाहिए पेड़ होना चाहिए तो इसका आंसर ग्रास आना चाहिए सी का फोर सिर्फ एक ही जगह सी का फोर एक ही जगह है इतना आसान क्वेश्चन ठीक है रैबिट खाएगा इसको बी का थ्री ये कहाँ से है इकोसिस्टम नाम का एक चैप्टर है इकोलॉजी में इकोसिस्टम नाम का एक चैप्टर है प्लस टू में इकोलॉजी में वहां पे दिया हुआ है कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो जनरली प्लांट्स होता है देखो लिख दिया भाई ने या तो फाइटो प्लैक्टन हो ग्रास होएगा ट्रीज होएगा सेकंड में सारा हरबी होएगा हो जू ग्रास हो का हो उनको लिख के दे रहा है वो कि कैसे निकलेगा इजी क्वेश्चन

आ गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सेरोसा इज द इनर मोस्ट ईलियम इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो सेरोसा इनर मोस्ट होता है क्या एन में डायग्राम देके बोला है लो मजे करो सेरोसा इज द आउटर मोस्ट गलत हो गया इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट ठीक है वर्मी फॉर मेडिक्स अराइजेज फ्रॉम डूडम एन में दिखाया हो भैया ऐसा इलियम और कोलन के बीच में यहाँ पे सीकम होता है, फिर वर्मी फॉर्मो अपेंडिक्स सीकम से निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बकवास है ये? इलियम तो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है भाई, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच वे ऑन शुगर कैन क्रॉप इंक्रीज ऑफ स्टेम कितना ओरिजिनल क्वेश्चन है ना प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन वाले चैप्टर पे जाओ प्लस वन में एंड जिब्रलिन खोलो शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एड शुगर इन द शुगर केन क्रॉप विद द द लेंथ ऑफ स्टेम दस जिब्रिलीज द यील्ड बाय 20 टन पर एकर जो बच्चे अभी तक ब्लेम कर रहे थे मैम पता ही नहीं चला हुआ क्या अब उन्हें पता चल रहा होगा कि हुआ क्या आईडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन इन नाउ दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन दिस इज अ क्वेश्चन तुम गलत करके आएगा तो मैं समझूंगी कि गलत क्यों हुआ है देखते दे कट द डीएनए स्टैंडर्ड पेलिंड्रोमिक साइट एनसीआर की लाइन है पेलिंड्रोमिक साइट पर काटता है सही है। इंजीनियरिंग का चैप्टर में पढ़ रहा है सही है। ये भी NCRT में शायद लाइन है यहां है? ट द स्टैंड सेंटर से अलग काटता है बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑफ ऑपोजिट ठीक है यह सारा चीज है अब क्या है इसका आंसर है ये टिकी एंड कैन बी ज्वाइन बाई डीएनएल आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है और यह रॉन्ग स्टेटमेंट है लेकिन एनसीआरटी में स्टेटमेंट दी हुई है When cut by same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends, and these can be joined together by using DNA ligases. What will आ, क्या कह रहा है एक बच्चा कह रहा है क्या कह रहा है पेलिंड्रोमिक साइट पे तो काट रहा है ना ये बच्चा कह रहा है पेलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से अभी काट रहा है सुन ना ये पेलिंड्रोमिक साइट है तू सेंटर में मत काट तू साइड पे काट कोई बात नहीं काट साइड पे काट लेकिन तू काट तो पेलिंड्रोमिक साइट में ही रहा है ना पेलिंड्रोमिक साइट के बाहर तो नहीं काट रहा ना नहीं काट रहा ना तो फिर अब क्या है कि ये तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डीएनए लाइगेज से जुड़ता है स्टिकी एंड से जुड़ता है लेकिन एक्चुअली में सच्चाई क्या है ये थोड़ा सा थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा जो गलत हो सकता था तुम्हारा स्टिकी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है स्टिकी एंड जो होता है अनपेड बेस होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ते हैं यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे यहाँ पे डीएनए लाइगेज काम करता है यहाँ पे ठीक है तो एक्चुअली स्टिकी एंड्स जो हैं वो डी uh, एन से नहीं जुड़ते स्टिकी एंड्स तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं डी एन से तो जो फॉस्फोडाइस्टर की बैक बॉन होती है ना वो जुड़ती है सो so, इनमें से अगर मुझे ढूंढना हो तो इसको तुम गलत कह ही नहीं सकते ना इसको तुम गलत कह ही नहीं सकते इसको तुम गलत कह ही नहीं सकते यार यही गलत है और एनसीआरटी में ही लाइन दी हुई है सो बट आंसर मुझे लगता है नाइन्टी नाइन परसेंट एन का आंसर थ्री ही होगा थ्री ही गलत होगा बाकी देखते हैं जब आंसर की आएगी तो ठीक है यही होना चाहिए <coughs> ये कह सकते हो तुम एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली नहीं मिला ये ठीक है दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास जो एनसीईआरटी में नहीं मिला आपको डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग अच्छा ये तो सब बायो मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है इसका भी मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेके आई क्योंकि अलग-अलग पेजेस -अलग पे बिखरा हुआ था बहुत सारा ठीक है जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिसिन है सेल वॉल ऑफ काइटिन है पेप्टाइड बॉन्ड आपका प्रोटीन में मिलेगा अ प्रोटीन इनिबिटर मेलोनेट है सक्सीने डिहाइड्रोजनिस का इनिबिटर है सब बायोमोलिक्यूल में एनसीआरटी बेस्ड है न एक टू एक बीका फोर एक टू का फोर तो यही बनेगा सी का तीन डी का वन ये बनेगा डायरेक्ट एनसीआरटी क्वेश्चन है दो क्वेश्चन मिल गया अभी तक हमें है ना खतरनाक बाकी तो सब अच्छे। गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और मॉडिफाइड ये बच्चा गलत करके आ गया इतना क्यों भाई क्यों एनसीआरटी से बाहर है एलिमेंट्री कैनाल में पहली बात तो आपको क्या मिलता है कॉलमनर सेल्स मिलते हैं कॉलमनर सेल्स मिलते हैं कहाँ एनसीआरटी है? में देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं द कॉलमनर एपिथीलियम कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉलरेंस एंडर सेल्स ठीक है जी ये कहाँ मिलता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन में मिलते हैं ये एलिमेंट्री केनाल स्टमक और इंटेस्टाइन से एलिमेंट्री कैनाल बनता है ना कॉलमनर सेल मिल गया अब कॉलमनर सेल अगर वहां पे मिलता है तो उससे मॉडिफाई होकर गॉबलेट सेल मिलेगा क्योंकि तुम्हें पता है कि गॉबलेट सेल तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है देखते हैं आओ गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ठीक है ग्लैंडुलर एपिथिलियम का एग्जाम्पल है सम ऑफ द कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथीलियम दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्सलुलर जैसे कि गॉबलेट एंड मल्टी सेलुलर तो मतलब गॉबलेट सेल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलोमर सेल क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में तो कॉलमनर ही मिल रहा था ना तो उसको मॉडिफाई करके गॉबलेट बन गया एनसीआरटी का क्वेश्चन तो है ही एलिमेंट्री केनाल में पूछा है ना एलिमेंट्री केनाल में तो होता ही कॉलमनर है columnar को मॉडिफाई करके तो बनेगा ना हमारा तो आंसर क्या बनेगा एपिथेलियल सेल्स ये क्यों गलत करके आया है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ये सब एनसीआर टी एनिमल किंगडम मैं स्क्रीन शॉट इसलिए नहीं लेके आई हूं क्योंकि पेज नंबर काफी सारे पेजेस में फैला हुआ है फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन पे जाओ वहां पे ढूंढो देखो क्या क्या है साइक्लोस्टोमेटा में साफ एनसीआर में लिखा हुआ है सिक्स टू फिफ्टीन गिल्सलेट एयर ब्लैडर ऑस्टिक थी साफ साफ लिखा हुआ है ठीक है जी पॉइजन स्टिंग ट्राइगोन हेटीरोन कॉन्ट्रिक थी सब एन में दिया हुआ है सब एनसीआर में आंसर बना लो ए का बी बी का थ्री A का बी बी का थ्री सिर्फ यही आंसर आन रहा है का टू बी का थ्री है ना ये आंसर बन डेजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अक्र्सूरिंग सेल डिवीजन सेल डिवीजन सेल एंड सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है देखे उसमें क्या लिखा हुआ है दिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रेकोग्ज बाय डेजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोग क्रोमोजोम बीक है आंसर क्या बनना चाहिए हमारा डिप्लोटी एनसीआरटी नेम द इंजाइम दैट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ड्यूरिंग डीएनए ये नहीं था एनसीआरटी में ये नहीं था। so, तीसरा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली uh, एनसीआरटी में नहीं है इस तरीके से था एनसीआरटी में डीएनए पॉलीमिरेज का फंक्शन आपको एनसीआरटी में दिया हुआ है

डीएनए लाइगेस तो ओपन नहीं करता अरे 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसका आंसर चेक करने दो तो मेरे को पहले रुक जाओ इसका आंसर चेक करने दो तो एक मिनट ट्रांसक्रिप्शन में दिया हुआ है ना ट्रांसक्रिप्शन में इसका आंसर चेंज हो सकता है एक मिनट रुको एक बार रुकू मैं चेक कर रही हूँ हाँ 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 समझगी समझ गए समझ गए गलत है बेटा ये हेलीकेज आंसर नहीं आएगा हेलीकेज तो डीएनए उसमें आएगा रेप्लिकेशन में ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही भाई, है भाई डायरेक्ट एनसीआरटी सॉरीक्ट एन सी आर टी आई ये हेलीकेज तो डीएनएप्लीकेशन में काम आता है ना क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन में तो हेलीकेज काम आता है नहीं डायरेक्ट भाई हैं पॉलीमिरेज नहीं काम आता आर एन तो काम आएगा आंसर पॉलीमरेज सो सॉरी सॉरीकेज बोलने के लिए मैंने वो चीज नहीं पढ़ी थी ऊपर वाली नहीं पढ़ी थी समझ रहे ट्रांसक्रिप्शन पे ध्यान नहीं दिया था मैंने ट्रांसक्रिप्शन का आंसर तो आर एन ए आएगा सो डायरेक्ट एनसीआरटी है आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बहुत जगह है बायोमोलिक्यूल्स में भी है जेनेटिक्स के सेकेंड चैप्टर में जाओ जहां पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नाम का टॉपिक है ठीक है वहां पे आपको ऐसे मिलेगा ठीक है जी एडनिन फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स थायमीन ठीक है जी गुआनिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स ठीक है जी वन हाइड्रोजन बॉन्ड थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बकवास टू हाइड्रोजन पॉन्ड है एनसीआरटी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ग्लोब एग्जिबिट हाइएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी अब एनसीआरटी में बायोडाइवर्सिटी नाम का चैप्टर है प्लस टू में बायोडाइवर्सिटी नाम का चैप्टर है अब वो बार बार क्या कह रहा है वेरी हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स बार बार ये कह रहा है कि ट्रॉपिक्स में हाई डाइवर्सिटी है स्पीशीज डाइवर्सिटी है तो बेटा ट्रॉपिक्स में जो आंसर है वो एमेजोन फॉरेस्ट आएगा और ये कॉमन सेंस का और जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन था आपको पता है कि अमेजोन फॉरेस्ट जो कि इक्वेटर के साथ साथ हैं क्या कहते हैं जो साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है वहाँ पे ठीक है सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको मिलता है ट्रॉपिक्स में

पैंक्रियाज का डायबिटीज मेलाइटिस है पिट्यूटरी का डायबिटीज इंसिपिडस है एड्रीनल का एडिसन है और थाइराइड का ग्रेव्स है सब एन में चारों डिजीज दी हुई हैं आपकी ठीक है ए का थ्री ए का थ्री बी का वन ए का थ्री बी का वन आपका आंसर बन गया टू सब एन में दिया हुआ है प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइट बाय नाइट्रोजनज ये बहुत बच्चों ने गलत किया और फिर बहुत बच्चों ने अपने आप को गालियाँ दी मैंने गलत कैसे कर दिया बहुत टीचर्स ने भी गलत किया विच इज ओके ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं जब root nodules में क्या कहते हैं एक्ट करता है तो वो क्या करता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके वो एन बना देता है सो so, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर अमोनिया अलोन किया लेकिन इसका आंसर अमोनिया अलोन नहीं था इसका आंसर अमोनिया एंड हाइड्रोजन था क्यों मिनरल न्यूट्रिशन के लास्ट पार्ट में जब तुम जाओगे प्लांट फिजियोलॉजी में वहां पे एक टॉपिक है नोड्यूल फॉर्मेशन और अमोनिया फॉर्मेशन वाला तो वहां पे एक इक्वेशन दी हुई है ऐसे कि विद ये प्लस हाइड्रोजन प्लस ए टीपी एन सी आर टी में सो so, आपका आंसर ये आएगा थर्ड जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर रही थी तो मैंने भी गलत किया ये क्वेश्चन एकदम से दिमाग में आता नहीं है ना एकदम से आता है कि N2 plus H2 इज NH3 तो शायद तुम्हारे भी दिमाग में इसी तरीके से आया होगा और मेरा भी गलत हो गया फिर मैंने बाद में देखा कि यार एनसीईआरटी का रेफरेंस तो निकाल लूँ मैं फिर मुझे ये इक्वेशन मिली ठीक है जी तो थोड़ा बच के ऐसे क्वेश्चंस आगे मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड फंक्शन सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है बोरोन जो है क्या बनाता है पोलन जर्मिनेशन करता है एम एन सी एल जो है फोटोलेसिस ऑफ वाटर करता है ठीक है जी और, और 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 इतने में हो जाएगा आपका आंसर सी का टू सी का टू सी का टू तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है डी का वन सी का टू डी का वन सी का वन सी का टू डी का वन आगे निकालना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा जिंक आपका आई 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 ए ए सिंथेसिस में काम आता है ऑक्सीजन के सिंथेसिस में काम आता है आयरन जो आपका क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस में काम आता है तो बी का फोर ये फोर आंसर बन गया एनसीआर सारा का सारा। ज़्यादा बनने को डायरेसिस कहते हैं ठीक है ठेके? आपको कौन प्रिवेंट करेगा डायोरिस कौन रोकेगा ठीक है तो बेटा एक सिस्टम होता है रास जो डायरेसिस को रोकता है रेनिन इन एल्डोस्टिरोन सिस्टम रेनिन भी एंजोटेसिन भी एल्डोस्टीरोन भी सब कुछ डायोरिस को रोकता है और इसके ऑपोजिट होता है ए जो कि डायोरिस को बढ़ावा देता है सो so, इसका आंसर जो है ए तो हो नहीं सकता ठीक है डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन भी नहीं हो सकता भैया रेनिन तो बढ़ेगा रास में रेनिन बढ़ता है ये भी नहीं हो सकता मोर वाटर वॉटर ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच ये भी नहीं हो सकता भैया एडीएच बढ़ता है तब डायोरिस कम होता है ठीक है ए डी एच बेसिकली टिब्यूल्स से पानी को वापस लेता है ब्लड में ठीक है तो यहां पे सूसू की मात्रा कम हो जाती है तो अंडर नहीं ओवर सिक्रेशन ऑफ ए डी एच होता है जब तुम्हें बहुत प्यास लगती है ना तुम मान लो डेजर्ट में घूमोगे तब ए डी एच रिलीज होता है ताकि तुम्हारी बॉडी का पानी प्रिजर्व हो सके सो so, इसका आंसर था रीअब्जॉर्न ऑफ सोडियम वाटर फ्रॉम रीनल टिब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टीर और इसका एनसीआरटी रेफरेंस है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में किडनी वाला चैप्टर है ना जो प्लस वन में उसमें रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है यहां पूरा दिया हुआ है रास और ANF का function. Based question है कुछ? आगे division of secondary oocyte is completed when? कहां मिलेगा की प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद इन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और इज दिस फर्टिलाइजेशन इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मिओटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ऊसाइट ठीक है जी द फ्यूज ऑफ स्पर्म विदन ओवम एनसीआर मैच द फॉलोइंगेक्ट द करेक्ट ऑप्शन क्या करके आए हो बच्चों सब एनसीआर एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है एनिमल किंगडम और पूरा फैला हुआ क्वेश्चन है बहुत सारे फाइलमस जो है टीनो प्लाना इसी में होता है ना इसी की फाइलम में होता है देन एडल्ट विद ये एस्टारियस हो गया ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा हो गया आ जाएगा आंसर ए का फोर ए का फोर ए का फोर एक ही है बी का वन सी का टू हो जाएगा एन सी आर टी सब एन सी आर टी मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन सब एन सी आर टी इसलिए भी नहीं लेके आई गई मैं क्योंकि आप एक चैप्टर पे जाओ लोकोमोशन मूवमेंट पे जाओ वहाँ पे बिखरा हुआ क्वेश्चन है ये सब बिखरा हुआ क्वेश्चन है उसमें अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है इसलिए मैं आपको पेज नंबर वगैरह आपको नहीं दिया है मैंने ठीक है जी फ्लोटिंग रिब्स डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम ठीक है जी ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ पे होता है हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ करता है देन एक्रोमियन प्रोसेस क्लैविकल के साथ करता है कापूला लोकेटेड बिटवीन सेवेंथ एंड सेकेंड एंड सेवेंथ रिब बन गया फ्लोटिंग रिब्स का फोर ए का फोर ए का फोर एक ही है ए का फोर बी का थ्री सी का वन डी का टू हो गया ना सब एन सी आर टी और ये कितना कराया तुमको यार यूट्यूब पे कितना कराया प्लस में ऐसा क्वेश्चन नहीं गलत करना है सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकोटिन कैफीन आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स फॉर ऐसा लिखा हुआ है एन सी आर टी में कि भैया ये डायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में नहीं अफेक्ट करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसा लिखा है एनसीआरटी में बायोमालिकल्स का क्वेश्चन है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला टॉपिक है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए ठीक है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं चाहिए उनका फंक्शन अननोन है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना न्यूट्रिटिव वैल्यू तो ग्रोथ के लिए चाहिए होता है ना न्यूट्रिटिव वैल्यू ये तो नहीं है ना डिफेंस एक्शन यहाँ एक आंसर बनता है सो इनडायरेक्ट एनसीआरटी है एनसीआरटी लेकिन इनडायरेक्ट एनसीआरटी है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन सारा का सारा बायोटेक से आया है ये क्वेश्चन और बायोटेक के दोनों प्लस फर्स्ट चैप्टर को मिला के और सेकेंड चैप्टर दोनों को मिलाया हुआ है उससे उठा उठा के क्वेश्चन है लेकिन कतई आसान क्वेश्चन है बीटी कॉटन कॉटन बेसिलस जेनेसिस से है एडीए जीन थेरेपी से है ठीक बी टी कॉटन वाला सेकेंड चैप्टर से है एडी डेफिशिएंसी भी चैप्टर से है बायोटेक्नोलॉजी के आर एन एकेंड चैप्टर से है और पीसीआर जो है अरे ये सारे सेकेंड चैप्टर से नहीं 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 फर्स्ट चैप्टर से है ही नहीं सिर्फ सेकेंड चैप्टर से है मुझे लगा पीसीआर क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं मैंने इसलिए सोचा फर्स्ट चैप्टर से जो पीसीआर की एप्लीकेशन है वाली वो तो सेकंड चैप्टर में ही सारा बायोटेक का सेकंड चैप्टर एप्लीकेशन बायोटेक चैप्टर है ना तो उसमें पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन पढ़ते हैं मेडिसिनल एप्लीकेशन तो ये सारे उसमें से हैं। ठीक है जी आप आंसर बना लेना मैंने आपको बता दिया फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मेहलर प्रोड्यूस्ड एवोल्यूशन से कितना क्वेश्चन आया एवोल्यूशन पे जाओ ऐसा देखो क्या दिया हुआ तुम्हें? CH4, NH3 का है तुम्हें सी एच फोर 800 थ्री पे गर्म करके उसने एक्सपेरिमेंट किया तो यही तो तुमसे पूछा हुआ है सी एच फोर एच टू एन एच थ्री ठीक है एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री आंसर बन जाएगा प्लस टू में एवोल्यूशन नाम के चैप्टर पे जाओ वहाँ मिल जाएगा ये बहुत आराम से नेक्स्ट मैच दीदी 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 दिस यूज इन बायोटेक्नोलॉजी ये कहाँ से दिया हुआ भैया फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर बायोटेक का तो मतलब समझ रहे हो फर्स्ट बायोटेक में से इतना आसान क्वेश्चन आया है इतना आसान क्वेश्चन आया यार सब कुछ बायोटेक समझनी भी इतनी आसान है समझ रहे हो तो बायोटेक को मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगी बढ़िया तरीके से करके जाना इजी क्वेश्चन आता है ऐसे नहीं करना है बैसिलस बैसे प्रोटीन थर्मस एक्वाटिकस का इससे एक डी एन ए लेते हैं हम टाक पॉलीमरेज लेते हैं ना एग्रो बैक्टीरियन टैक्टर है डाइकॉट प्लांट्स के लिए सैलमोनी टाइफी पहला आर डी एन ए मॉलिक्यूल बनाया था ना सैलमोनी टाइफी का प्लाज्मा निकाल लिया था आंसर बना लेंगे एक का फोर इतना इजी ऑप्शन दिया हुआ है यार एक भी आता है तो उसी से आंसर बन जाएगा बीटी कॉटन वैरायटी दैट कॉटन डेवलप्ड बाई इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बेसिलस जेनेसिस इज रेजिस्टेंट टू देख लेते हैं बीटी टी वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरन जेनेसिस इनकॉर्पोरेटेड इन टू क्रॉप प्लांट्स ठीक है जी एंड दे टारगेट प्लांट पेस्ट प्लांट पेस्ट को टारगेट करते हैं ठीक है तो किसको करेंगे फंगल डिजीज को नहीं करते नेमेटोड्स को नहीं करते इंसेक्ट प्रीडेटर्स को नहीं करते इंसेक्ट पेस्ट को, करते. है. को? करते हैं एन सी आर टी की डायरेक्ट लाइन है इंसेक्ट पेस्ट को टारगेट करते हैं बायोटेक सेकेंड चैप्टर चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोविंग फ्रॉम द फॉलोविंग आओ देखो चूज करते हैं कहाँ से आया ये बायोटेक के चैप्टर पे जाओ पूरा बायोटेक का चैप्टर पढ़ दो ठीक है आंसर आ जाएगा <laughs> बायोटेक में एक लाइन है कि न्यूक्लिय न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं फिर वो एंडो न्यूक्लियस और वो एक्सो न्यूक्लियस होता है ठीक है सो सोरेक्ट पेड ना लाइगेज़ जो है डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ते हैं सही है एक्सो न्यूक्लियस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशन नहीं रे एग्जो न्यूक्लियस बाहर से यहाँ से न्यूक्लियोटाइड निकालता है बाहर से न्यूक्लियोटाइड निकालता है स्पेसिफिक पोजिशन में तो एंडो न्यूक्लियस कट मारता है न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रांड्स ऑफ डी एन ए बकवास न्यूक्लियसिस काटते हैं डीएनए को पॉलीमरेज ब्रेक द डी एन एन टू फ्रेगमेंट नहीं रे पॉलीमरेज नया डी एन ए या आर एन ए फ्रेगमेंट बनाते हैं लाइक इट डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं देखो इस बार इंजाइम से बहुत क्वेश्चन आया है लाइगेज पॉलीमरेज हेलीकेस डी एन ए पॉलीमरेज आर एन ए पॉलीमेरेज इनसे बहुत क्वेश्चन आए रिस्ट्रिक्शन इन्जाइम इस बार एक हॉट टॉपिक रहा है इन इन इन्जाइम्स वाले से कम से कम तीन चार क्वेश्चन आ चुका है समझ रहे हो द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एट बताओ जी बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है फ्यूनिकल के साथ कहाँ पे ज्वाइन करती है ये प्लस वन में भी है प्लस टू में भी है बताओ क्या होता है ये पॉइंट अगर याद हो ऐसा ओव्यूल होता है ये माइक्रोपाइलर एंड होता है ये चलाजल एंड होता है और इसके जस्ट नीचे क्या होता है हाइलम जहां से ज्वाइन करता है ऐसे होता है ना ये ओव्यूल है ये इंटेग्यूमेंट्स है ये माइक्रोपाइलर एंड होता है ये चलाजल एंड होता है यहां पे फ्यूनिकल होती है और ये जहां पे टच करता है हाइलम ठीक है आगे चलो स्ट्रॉब और कोटी सिक्स प्लस वन के एनसीआर में चले जाओ प्लांट किंगडम में डायरेक्ट लाइन है कि भैया कोन्स मिलते हैं इक्विसेटम और सिलाजी में ठीक है जी तुम लोगों से बात नहीं की मैंने बहुत देर से आशीष आनंद मेरी पूरी क्लास का लॉजिक बता रहा है All 90 questions are directly or indirectly from सारे फेक है? <laughs> सारे मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स दो भाई, फेक दो हैं। पढ़ाऊंगी तुम्हें मस्त क्या है एनसीआरटी तो रटनी है क्या बड़ी बात है सब हो जाएगा ये आया है, तुम्हारा सर्कुलेशन वाला चैप्टर ब्लड एक टॉपिक है

आई नीड टू रब दिस टू this. अभी सही है आ गया हिस्टा मीन को रिलीज करता है ना ये तो ठीक है सो बी का आ गया फोर बी का आ गया फोर बी का आ गया फोर तो बी का फोर तो एक ही यार इतना आसान ऑप्शन दिया हुआ है एक भी आता है तुमको तो तुम्हारा तो कोई गलत होने का चांस ही नहीं है डी का आ गया वन सी का आ गया टू और एक ही बचा है, एक आ गया थ्री। मतलब इतना इजी तुमको मैच द फॉलोइंग आया तुमको एक भी आता है तो तुम पूरा सही कर सकते हैं, तुम गलत नहीं करेगा उसको आइडेंटिफाई बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड बायोमालिक्यूल का क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल में एनसीआरटी में दिया हुआ है कि भैया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कार्बोहाइड्रेट में आता है और पेप्टाइड जो प्रोटीन में आता है तो तुमको ये पहचानना था कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा है इनमें से प्रोटीन कौन सा है आओ पहचान लेसिथिन क्या होता है लेसिथिन ये तो लिपिड होता है ना फॉस्फो लिपिड ये तो गलत हो गया ना हमें तो प्रोटीन चाहिए प्रोटीन चाहिए भैया इन इंसुलिन आंसर है ट्रिप्सिन प्रोटीन है लेकिन ग्लिसरोल तो प्रोटीन है ना ग्लिसरोल तो फैट है लिपिड है बकवास इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है ठीक है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट है और इंसुलिन इज अ प्रोटीन जो कि हमारी <coughs> बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करती है एनसीईआरटी में दोनों दिए हुए बायोमोलिक्यूल्स में ठीक है जी तो इसका आंसर बन गया थ्री डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी इन रिलेशन टू जीपीपी एंड एनपीपी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अब तुम सोच रहा होगा कि जीपीपी एन पी पी मैम कहा से आया है इको सिस्टम नाम का चैप्टर है प्लस टू में इकोलॉजी में उसमें एक एक पूरा डायग्राम ऐसे एक पेज पूरा वो दिया हुआ है कि जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉसेज निकाल देगा तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा सब एनसीईआरटी में से है जी पी पी इज ऑलवेज मोर देन एन पी पी सही है जब आर निकालेगा तो ज़्यादा ही होगा जी पी पी एंड एन पी पी आर वन एंड सेम बकवास देर इज नो रिलेशन बकवास ग्रॉस इज ऑलवेज लेस बकवास तो जी पी पी इज ऑलवेज मोर ना जी पी पी में से आर निकालेगा तब तो एन पी पी आएगा ठीक है एन सी आर टी इको सिस्टम इकोलॉजी पढ़ लेना सब एन सी आर टी पढ़ो इकोलॉजी लेकिन पढ़ लो ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट करो मैच करो कहाँ से आया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पेज नंबर इसलिए नहीं लेके आई हूँ क्योंकि ये फैला हुआ क्वेश्चन है पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जगह जगह पे फैला हुआ है ठीक है लेडिक सेल्स क्या करता है जी एंड्रोजन टेस्टोस्टोरॉन रिलीज करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिल जाएगा तुमको एनसीआरटी में ठीक है जी बल्बो यूरिथल ग्लैंड क्या करता है लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस करता है ये भी मिल जाएगा तुमको एनसीआरटी में जोना पेलुसिडा क्या करता है

उसमें एक टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन अब पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट्स ठीक है जैसे कि पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट होता है ठीक है जी और जैसे कि आ, मेल या फीमेल होते हैं इंडिविजुअल्स लेकिन पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है कहां पे लिखा है ये ये सेक्स रेशियो होता है सो डेथ रेट बर्थ रेट सेक्स रेशियो ये सब एट्रीब्यूट्स हैं ठीक है नेटेलिटी मोर्टेलिटी ये ये बर्थ ये डेथ ठीक है सेक्स रेशियो ये सब एट्रीब्यूट्स हैं स्पीशीज इंट्रैक्शन कोई एट्रीब्यूट नहीं है सो so आंसर हमारा थ्री बनेगा एनसीआरटी <laughs> इस पूरे टॉपिक में मैंने एनसीआरटी इतनी बार कह दिया तुम लोगों को एनसीआरटी नाम के शब्द से नफरत होने लग जाएगी क्यों मैच द फॉलोइंग करेट ऑप्शन पेज थ्री ट्वेंटी फाइव थ्री ट्वेंटी सिक्स जाओ प्लस वन की एनसीआर में वहाँ पे है, सारा वहां से आया हुआ है ठीक है, क्या है देख लेते हैं आओ स्टेपीज ओवल विंडो से अटैच होती है है, यू स्टेशन ट्यूब कनेक्ट मिडल ईयर टू ये, सब एनसीआर में और कॉटाई बेसलर मेम्ब्रेन पर रखा हुआ ये कितना प्यार से मैंने तुम लोगों को समझाया था ये गलत तो नहीं करके आए हो कितना प्यार से यूट्यूब पे पढ़ा था हमने कितना प्यार से प्लस पे पढ़ा था निकाल लो वन का फोर लो जी जिसने वन का फोर भी पता है वो सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोटीन इन एनिमल्स कॉलाजन प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स मियोसिस के प्रति अपनी श्रद्धा जताएंगे एक स्क्रीनशॉट लेके आई थी मैं मियोसिस वन मियोसिस वन का जो पहला पार्ट था लेप्टोटिन प्रोफेज वन का लेप्टोटिन जाइगोटिन पैचिटिन है ना उसमें से ये तो, सेल डिवीजन सेल साइकिल में से मियोसिस में से है प्रोफेज वन में से है ठीक है आओ देखते हैं जाएगा में क्या होता है हाई दिमाग थक गया रुक जाओ दोबारा देखते हैं जाइगोटीन में पेयरिंग होती है है ना पेयरिंग होती है पेरिंग होती है एक मिनट मेरी एनसीआरटी का है जाइगोटीन में होती है पेरिंग पैरची में होता है क्रॉसओवर डिप्लोटीन में बनता है क्या और डायकाइनेसिस में होती है टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस सबसे अंत में होता है स्क्रीनशॉट नहीं लाइन है सोचना पड़ रहा है तो आंसर क्या बनेगा ए का फोर का थ्री का टू का वन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट सेवन मिलियन इसमें है बायोडाइवर्सिटी नाम का चैप्टर है इकोलॉजी में उसका सेकंड पेज है सेकंड पेज लोअर बॉटम लास्ट लाइन है लाया ओके मैं हाँ लाया हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे प्लेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट सेवन मिलियन ठीक है जी समझ में आ गया वो पढ़ लेना इकोलॉजी के चैप्टर पढ़ लेना चलो भैया ओवरी इज हाफ इनफीरियर इसका स्क्रीनशॉट मैंने दोबारा से नहीं चिपकाया मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है आ, पेरी गाइनस फ्लावर प्लम प्लम रोज पीच याद कराया था कि जब औरतें इक्वालिटी पे होती है तो वो लिपस्टिके लगाती है प्लम कलर की रोज कलर की पीच कलर की है ना प्लम रोज पीच सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताओ भैया ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया गलत है ना ग्लूकागोन से तो बढ़ जाता है ग्लूकोज तो हाइपरग्लाइसीमिया से एसोसिएटेड है ना इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैंक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स देखो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है इट इज़ अ वेल मेड क्वेश्चन ये लगता है मैं सही है कि इंसुलिन भैया पैंक्रियाटिक सेल और एडिपोसाइट्स से पर तो एक्ट करती है लेकिन बेटा इंसुलिन कभी पैंक्रियाटिक सेल पर एक्ट नहीं करती है पैंक्रियाटिक सेल से तो निकलती है एक्ट करती है एडिपोसाइट और हिपैटोसाइट पे सो दिस इज रॉन्ग इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया गलत है इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजे एनसीआरटी की लाइन है सारी एनसीआरटी की लाइन नेक्स्ट द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट द नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एक चैप्टर है प्लस वन प्लांट फिजियोलॉजी उसका एक टॉपिक है रूट प्रेशर रूट प्रेशर में आपको गट्टेशन मिलेगा ये क्या बता रहे हैं कि भैया रूट प्रेशर से गट्टेशन होता है ठीक है जी द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म इसको ट्रांसपीरेशन से नहीं कन्फ्यूज करना है ट्रांसपीरेशन में पानी वेपर फॉर्म में उड़ता है ठीक है ये लिक्विड फॉर्म में उड़ रहा है लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है टिप ऑफ ग्लास से गटेशन हो रहा है गटेशन रूट प्रेशर से होता है डायरेक्ट एनसीआर का लाइन चिपकाया तुम लोगों को डायरेक्ट

कहां पे होता है ये जी नॉट पे होता है एम फेज के एंड में होता है या जीवन फेज के एंड में होता है इसका आंसर कुछ भी दिया जा सकता है एन टी ए द्वारा एम फेज भी इसका आंसर दिया जा सकता है और जीवन फेज भी इसका आंसर दिया जा सकता है परंतु मैं आई विल गो विद जीवन फेज नहीं वैसे मेरे को लगता है इक्वल चांसेस हैं जीवन भी हो सकता है एम भी हो सकता है अब एन टी ए की उस पर आंसर की पे डिपेंड करता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है लेकिन ये है एम से कभी भी डायरेक्टली जी नॉट में नहीं जाता ठीक है जीवन से जी नॉट में जाता है ठीक है सो इसका आंसर एंड ऑफ एम फेज दिया हुआ है तो आपका आपको एन टी ए भी कह सकता है कि हमने तो एंड दिया था तो एंड से ऐसे चला जाता है और जीवन भी दे सकता है इसका आंसर अभी अवेटेड है ठीक है सो दो क्वेश्चन है जिनका आंसर अवेटेड है एक तो ये वाला क्वेश्चन ठीक है और एक वो वाला क्वेश्चन जो पहले था जनरेशन किस में होती हैं एंथर एंथर में या में या, में या सीड में वो वाला क्वेश्चन question. दो क्वेश्चन हैं जिनका अवेटेड है सो so, <laughs> कैसा लग रहा है इस सेशन के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है इस सेशन के बाद आप लोगों को सुनो 2021 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैं हालांकि वीडियो भी बनाऊंगी 2021 के लिए अभी अपने को क्या करना है 2021 का बैच मैं शुरू कर रही हूँ मोस्ट प्रेबली कल से ठीक है टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर लो टेलीग्राम पर मैं सारी अपडेट देती हूँ आपको कि कल कौन सी क्लास है अब क्या पढ़ेंगे आगे ठीक है ये क्लास अब यहाँ पे इस तरीके से हम लेंगे जो भी है मैं सब टेलीग्राम पे बात करती हूँ आप लोगों से सो टेली